फ्रेंड्स, मैं गुरवी नंदा और आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छी होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि कैसे एलोवेरा जेल में कौन कौन सी चीजें ऐड की जाए जिसको यूज करने से हमारी फेस की जो प्रॉब्लम है, लाइक या फाइन आई रिंकल्स की प्रॉब्लम है, या अनइवन स्किन टोन है, या आपको सन टैन की प्रॉब्लम है, आपको हाइपर पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है, या डार्क स्पॉट्स की प्रॉब्लम है, वो भी सॉल्व हो जाए। यूज करने से आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे और आपकी जो फेस रिलेटेड प्रॉब्लम है वो सारी सॉल्व हो जाएंगी। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में जो बेल आइकन है उसे जरूर दबा दीजिएगा, और बेल आइकन दबाने के बाद ऑल पे प्रेस कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें चाहिए एक खाली बाउल, और उसके बाद जो पहली चीज हम ऐड करेंगे वो है एलोवेरा जेल। तो आप जिस भी ब्रांड का एलोवेरा जेल यूज करते हो, मतलब आपके घर पर जो भी एलोवेरा जेल अवेलेबल है, तो आप एलोवेरा जेल यूज कर सकते हैं। एलोवेरा जेल को यूज करने से हमारे फेस के ऊपर फाइन लाइन, रिंकल्स, पिगमेंटेशन, या अगर आपको डार्क स्पॉट की प्रॉब्लम है वो दूर होगी, और हमारी स्किन को फेयर, ग्लोइंग, ब्राइट और यंग बनाए रखने में हेल्प करता है। और जो सेकेंड चीज हम इसमें ऐड करेंगे वो है वाइटामिन ई कैप्सूल। ये 400 वाला विटामिन ई कैप्सूल है। अगर आपके पास ये अवेलेबल नहीं है तो आप इसकी जगह पर बादाम तेल, नारियल तेल, ऑलिव ऑयल, मतलब इन सभी चीजों में से किसी भी चीज का यूज कर सकते हैं, और जो भी आपकी स्किन के ऊपर सूट करता है वो आप यूज कर सकते हैं। और जो थर्ड चीज हम इसमें ऐड करेंगे वो है ग्लिसरीन। ग्लिसरीन हमारे फेस को फेयर, ग्लोइंग और यंग बनाए रखने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है। हमारे फेस के फाइन रिंकल्स को दूर करता है, हमारे फेस के ऊपर पिगमेंटेशन और डार्क स्पॉट की प्रॉब्लम को दूर करता है, और हमारी स्किन को यंग बनाने में हेल्प करता है। और जो लास्ट यानी फोर्थ चीज इसे ऐड करने वाले वो है ऑरेंज जूस। तो मेरे फेस के ऊपर ऑरेंज जूस बहुत ही ज़्यादा सूट करता है, तो आप इसकी जगह पर लेमन जूस का भी यूज़ कर सकते हैं और टमाटर जूस का भी यूज़ कर सकते हैं। मतलब जो भी आपके स्किन के ऊपर सूट करता है, आप उन सभी चीज़ों में से वो एक चीज़ यूज़ कर सकते हैं। हमारी रेमेडी बनकर तैयार है, और इन सभी चीज़ों को आप अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। तो अभी आपने क्या करना है, एक कॉटन पैड लेना है और अपने पूरे फेस के ऊपर आपने इसे अच्छे से अप्लाई करना है, और आपको ये रात को मतलब सोने से पहले ही यूज करना है। और जब ये आपके फेस के ऊपर अच्छे से अप्लाई हो जाए तो आप आराम से सो जाइए और सुबह उठकर अपना फेस वॉश कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी होम रेमेडी जो कि बनाने में बहुत ही आसान है, और आपको इसको लगातार 7 दिनों के लिए यूज करना है, और आपको 5 से 7 दिन में ही इसके जो रिजल्ट है वो दिखाई देंगे। तो ये बहुत ही अच्छा मेथड है जिससे कि हमारी जो फेस रिलेटेड प्रॉब्लम है, अगर फाइन लाइन्स, रिंकल्स या अनइवन स्किन टोन है, आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा डैमेज हो चुकी है और फेस के ऊपर ग्लो नहीं है, या आपकी स्किन पहले से डार्क हो चुकी है, तो वो सारी प्रॉब्लम से आपको छुटकारा मिल जाएगा। तो जल्दी से इस रेमेडी को यूज़ कीजिए और मुझे यूज़ करके इसके कमेंट करके ज़रूर बताइएगी कि आपको इसके रिजल्ट कैसे लगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय फ्रेंड्स।